तो दोस्तों आज ना झिंकवाण जी से बिना बात का मेरा पंगा हो गया और आज उनका फास्ट भी था और आज ही ये चीज़ होनी थी। मतलब बिना बात का ये ऐसी हो गया यार, मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने कहा क्या ही बोलूँ मैं ना, तो यार बेवकूफ़ जैसे नहीं हो जाते वहाँ पे। मैंने कहा रहने तो, फिर मुझे नहीं खींचना, मैं करती हूँ ना, मेरे को अच्छा लगता है यार। मैं जैसे सफाई वगैरह करती हूँ फिर थोड़ा मेरे को मतलब दिल को वैसे सुकून टाइप का मिलता है। अपना काम पहले ही वो कर दिया, छटिया दिया है। इनको एक साल डिले लेके आई थी भाई। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में झिंकवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों नए दिन की नई ब्लॉग की नई स्टार्टिंग होगी है देवभूमि उत्तराखंड की ब्यूटीफुल से गोपेश्वर से। तो बस अभी लगभग सुबह का 10 बज रहा है और बहुत तेज़ धूप लगी है आज। तो आज सबने कपड़े डाले हुए हैं छत में सुखाने के लिए, क्योंकि धूप ना बड़े दिनों बाद लगी है। तो आज सारे लोग कपड़े सुखा रहे हैं, मतलब धूप का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बड़े दिनों बाद ऐसी धूप लगती है ना, कभी बारिश का भरोसा नहीं है, तो बरसात में होता ही है, लोग कपड़े वपड़े सुखाते हैं। तो बस मेरा भी हो गया है नाना धोना, सारी चीज़ें घर का जो भी काम है छोटा बड़ा सारा काम हो गया है। और आज झिंकवाण जी का फास्ट है, तो आज खाना में सोच रही हूँ शॉर्टकट ही बनाऊँगी, कुछ खिचड़ी ऐसा कुछ ही बनाऊँगी। जब घर में दो जानी है और खाने वाले, इनका फास्ट है मतलब शनिवार सैटरडे है ना, तो अगले सैटरडे को वो करेंगे शांति कर देंगे, क्यों उन्होंने 16 रखे थे, कितने रखे थे, तो हो गए हैं इनका भी पूरा। तो मैं सोच रही हूँ कर देते हैं और आज लास्ट। दोस्तों घर का जो भी काम था मैंने सब कर दिया है, झाड़ू पोछा और किचन भी क्लीन कर दिया है। और ये देखो भाई, और इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं ना भाई, हर दिन होते हैं बर्तन इतने ज़्यादा। और सिंक वगैरह भी पूरा साफ कर दिया है। और अब सोच रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा धूप जलाऊंगी, क्योंकि थोड़ा अच्छा होता है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। मैं करती हूँ ना, मेरे को अच्छा लगता है यार। मैं जैसे सफाई वगैरह करती हूँ फिर थोड़ा मेरे को मतलब दिल को वैसे सुकून टाइप का मिलता है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे सफाई वगैरह करूँगी तो और थोड़ा धूप जला देती हूँ। तो अभी मैंने पूरी सफाई वगैरह सब कर ली है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर धूप जला दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा धूप जला रखा है, क्योंकि अच्छा होता है ना किचन में, जिस चीज़ किचन में हम खाना खुना बनाते हैं, मतलब उसको भी तो पूजना ही चाहिए है ना। तो बस आज इनका फास्ट था, तो मैं थोड़ा जिस दिन होता है तो उस दिन किचन में भी थोड़ा सा धूप जला देती हूँ। और किचन एकदम से चमक रहा है, धमक रहा हमारा। और इतने ज़्यादा बर्तन थे ये भी सब धो लिया है। पहले मैं क्या करती हूँ, नहीं तो वो पानी छोड़ते फिर लगाती हूँ ना, बाद में इधर लगाती हूँ, पहले सबको धो के यहाँ पे। इसमें ये मैंने जो ये स्टैंड है ना मीशो से मंगाया था, इसमें क्या होता है ना पानी पूरा निखर जाता है, उसके बाद फिर बर्तन सूख जाते हैं, तो फिर ऊपर लगाती हूँ। इतने ज़्यादा कपड़े हो रखे थे धोने को, ये सारे धो के डाल दिए हैं सुखाने के लिए। और थोड़ा बेडशीट वगैरह भी डाली हुई है, इधर भी धो रखे हैं। अनन्या की स्कूल के कपड़े भी मैंने आज ही धो दिए, स्कूल का भरोसा नहीं है बारिश आए ना आए। इससे पहले आज उनका दूसरी ड्रेस होती है ना रेड वाली, तो आज ये वाली नहीं पहनते, तो वो आज मैंने ये वाली धो दी है। अपना काम पहले ही वो कर दिया, छटिया दिया है। तो यहाँ पे सब जगह धूप लगी है, यहाँ पे थोड़ी सी छाया हो रखी है, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठती हूँ मैं, और उसके बाद अनन्या लोग भी आने वाले होंगे तो तब खाना बनाती हूँ। और आज मैं बोलती रही थी ना अभी कि पुलाव बनाऊँगी या खिचड़ी बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी शॉर्टकट, आज वही बनाऊँगी। और आज दूध भी नहीं रह रखा यार, कल हमने 2-3 बार की चाय बनाई और आज इनका फास्ट भी है, तो दूध ही नहीं रह रखा, मतलब थोड़ा सा रह रखा एक बार की चाय के लिए होगा, क्योंकि 1 किलो कितना होता है यार। सुबह से शाम तक हमारी चाय बनती, हर दिन चाय बनती है, मतलब चाय इतनी ज़्यादा पीते हैं ना हम, सबसे ज़्यादा तो चाय पीते हैं। सुबह की 3 बार की चाय बनती है, एक मतलब सुबह मॉर्निंग में बनती है, फिर एक बार जब नाश्ता करते हैं ये स्कूल जाने के लिए तब बनती है, और एक बार जब मैं नाश्ता करती हूँ तब बनती है। 3 बार की चाय सुबह बनती है, और शाम को 3 या 4 बार की चाय बनती है, मतलब चाय की सब आदी है हमारे यहाँ। एक बार बीच में मैंने बंद कर दिया तो फिर मुझे मतलब संगति का असर होता ही ना, ये जितनी बार चाय पीती तो मेरे को फिर वो चाय की लत लग गई, मतलब हर बार बोलते चाय पी रहे, मैं बोलती हाँ पी रही हूँ, तो वैसे वैसे करना फिर आदत हो जाती है। और यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा अच्छा सा सुकून मिल रहा है, मैं तो यहीं पे बैठी हूँ थोड़ी देर, अभी धूप नहीं है ना, अभी थोड़ी देर में बहुत चटाक वाली धूप आ जाती है यहाँ पे भी। हेलो दोस्तों नमस्कार, आज है मेरा शनिवार का व्रत और यहाँ पे झिंकवाण जी बना रहे हैं मेरे लिए मखाना। हेलो दोस्तों,
कढ़ाई में पहले घी डाला, फिर मखाना। चोट लगी थी ना तो कह रहे कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने कहा यार मखाने खा लो, कुछ नहीं होता इसमें। तो ये फलार में आता है ना मखाने, तो मैंने कहा थोड़ा दे देती हूँ रोस्ट करके, क्योंकि हाथ पे चोट लगी तो कुछ खाएंगे नहीं, तो उससे थोड़ी बॉडी ज्यादा ही वीक हो जाती है ना। तो बस थोड़ा सा मखाने वो करूंगी इनके लिए रोस्ट। और आज मैंने अपने लिए चावल बना रखे, हम चावल अनन्या और मैं चावल फ्राई खाएंगे, और इनके लिए मखाने बनाऊंगी, थोड़ा सा चाय बनाऊंगी। तो दोस्तों आज दूध भी थोड़ा सा बचा हुआ है। देखो ये मेरे बना रही है मखाना और साथ में हो रही है मेरे साथ गुस्सा। तो इनके लिए मैंने मखाने बना दिए थे और अपने लिए पता आज चावल फ्राई वाला बना रही हूँ। ऐसा होता ना यार, जैसे एक दिन भी जैसे कम लोग रहते हैं ना, तो आप लोगों के साथ भी होता होगा, खाना बनाने का मन नहीं करता। आज मेरा भी ऐसा हुआ, हम दोनों ही थे तो मैंने सोचा आज ऐसे शॉर्ट, तो ये ऐसे करके मैंने फ्राई कर दिया। आज शॉर्टकट वाला खाना बन रहा था हमारा, हम लोगों का मेरा। तो बेटा आपको पसंद है ये क्या बोलते हैं, फ्राई चावल? हाँ, तो अन्नू को भी ना फ्राई चावल पसंद है, तो आज खुश हो गए कि आज फ्राई चावल बन रहे हैं ना। दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा फ्राई चावल, और इसके साथ थोड़ा सा अचार है ना जो मैं परसों लेके आई थी, तो बस अभी जल्दी से खाते हैं। स्टेडियम में ना दौड़ लगा रही है, और इतनी तेज धूप में बच्चे कैसे दौड़ रहे हैं यहाँ देखना। ये फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट कौन सा बच्चा आ रहा है, पे जितने भी फूल थे ना सबको तोड़ के मैंने इनको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है। बड़े बड़े हो रखे थे ना, और वो उनपे फूल तो लग नहीं रहे थे, खाली टहनी हो रही थी बड़ी, तो आज मैंने सबको निकाल दिया है। और अच्छा लग रहा है, पूरा क्लीन और डीप क्लीन लग रहा है ना। और इस वाले में तुलसी लगा रखी है, इसमें क्या बोलते हैं गुलाब का पौधा है, इसमें एक नया फूल लगा रखा है, ये मैं परसों ही दीदी लेके आई थी ये वाला फूल, इस पे फूल भी आ गया। और इस पे थी ना ये गेंदे का फूल था, बड़ा टहनी हो रही थी इसकी, तो लग तो नहीं रहे थे फूल, बेकार से हो रहे थे, तो मैंने निकाल दिया। और यहाँ पे है मिर्च का पौधा, ये देखो। तो यहाँ पे आ गई हमारी शाम की चाय भी, और चाय पीते हैं फिर उसके बाद हमको मंदिर भी जाना है। तो अभी मेरे जितने भी कपड़े हैं ना सुखाए, अब इनको सबको फोल्ड करना है, फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर। और अभी बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, ये देखो। तो दोस्तों अभी शाम की 7:30 बज रही है, हम जा रहे हैं थोड़ा सा शनि मंदिर, वहाँ पे थोड़ा सा दिया वगैरह जला के आएंगे, क्योंकि इनका फास्ट था ना, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे है ना पुलिस लाइन पे, तो वहीं पे जा रहे हैं। अभी शाम का 7:30 होने ही वाला है, तो फिर वहाँ से आने के बाद दूध लेने भी जाना होता, तो पहले मंदिर चलते हैं फिर वहाँ से आने के बाद दूध लेने चलते हैं। तो बस ये भी रेडी हो गए हैं, और ये शर्ट मैंने ही गिफ्ट करी थी इनको, थैंक यू। चलो चलते हैं। मेरे स्लीपर किधर है किट्टू बाप, मेरे स्लीपर हैं? हाँ, क्या क्या रखते, 3-4 रख दो। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और ये जो मंदिर है ना इधर पुलिस लाइन वाला मंदिर है, और अभी पूरा अंधेरा होगी, 7:30 के आसपास हो गया ना टाइम, इन्होंने कहा लेट चलते, थोड़ा दिया वगैरह जला के आएंगे ना वहाँ पे, हाथ जोड़ के आएंगे, शनिवार है आज। अच्छा होता तू उससे क्या बोलते उसका पता, किसके पते बोलते वो आगे कुछ नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे ना दिया जलाना चाहिए, शुभ होता है। तो अभी मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, अब जा रहे हैं घर, और तो चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आपको घर पे। ये कितने वाले, इसमें कलर है तो 700 रुपए का। तो यहाँ पे ना थोड़ा अनन्या के लिए शूज देख रहे थे ना स्टेडियम के लिए, ये देखो भाई कौन से वाले, हाँ ये सही लग रहे थे। दोस्तों अभी मंदिर से आगे हैं, और यहाँ पे मैं कुछ सामान लाई थी अनन्या के लिए, सूज लाई थी, और अनन्या कह रही थी ना मेरे पास स्टेडियम के सूज नहीं है, तो मैंने कहा चलो यार आज इसके लिए सूज भी ले जाती हूँ, और अभी ट्राई करूँगी उसको फिट आते हैं कि नहीं आते। अनन्या बेटो बाहर आना, क्या कर रहे हो आप अंदर? सोनू सूज ला रखे आपके लिए, ये वाले ट्राई करना, नहीं आ रहे देखो, ट्राई करो फिर, अभी चेंज करना है अगर सही नहीं आएंगे तो। स्टेडियम के लिए ठीक है, देखो पहले फिट आ रहे कि नहीं आ रहे, उसका टैग भी मत हटाओ अभी। तो दोस्तों अभी हम जा रहे थे मंदिर, और जाते मंदिर जाते जाते ना जिंकवाड़ी से पंगा हो गया,
यार मंदिर में पता नहीं क्या फोटो खींचते बल और ऐसे बोले कि फोटो खींचते, मैंने कहा चलो ठीक है फोटो खींचते, लगे हैं वहाँ अपने फ़ोन से, मैंने कहा चलो फोटो खींचते हैं, तो मैं अपने फ़ोन से खींच रही थी ना क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा अच्छा है, तो मैंने कहा चलो मेरे फ़ोन से खींचते, और वहाँ लगे हैं ना अपने ही फ़ोन पर खींचने पर, तो यार बेवकूफ़ जैसे नहीं हो जाते हैं वहाँ पर, मैंने कहा रहने तो फिर मुझे नहीं खींचना, फिर घर वैसे आते आते मैं गुस्सा भी हो गई थोड़ा, और ये भी उधर पर बोलते जूस लाना, कि मैंने कहा नहीं लाना, मैं सीधा आगे 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 भाग गई घर। तो बस ऐसे ही होता है यार मेरे को ना, कभी कभी पता नहीं कुछ हो जाता है, एकदम से आ जाता है गुस्सा, ये तो चलता रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच। और अभी घर आ गई हूँ तो ये तो खिचड़ी खाएंगे बिना नमक वाली, और हमें और अनन्या बनाएंगे रोटी सब्जी। तो बस अभी घर पहुँच गए हैं, तो बस अब इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, बाय बाय।